हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी यानी BHEL जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसमें वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई पास छात्रों के लिए, तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अंत तक देखें, और अभी तक यदि मेरे चैनल आईटीआई आइकन को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द मेरे चैनल आईटीआई आइकन को सब्सक्राइब करें ताकि आप आईटीआई की वैकेंसी के लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए, BHEL झांसी के द्वारा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से शिक्षु अधिनियम यानी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत 2022-23 सेशन के लिए ये BHEL झांसी के द्वारा आईटीआई पास छात्रों के लिए ये निम्नलिखित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये आमंत्रित किया गया है। देखिए फीटर में आपका 23 सीट है और प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष है। इसमें अनिवार्य योग्यता हाई स्कूल में प्राप्त अंक प्रतिशत इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें कि सामान्य यानी जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए 60% या उससे अधिक होना चाहिए और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 55% या उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए। और टर्नर ट्रेड के लिए ये शिक्षकों की संख्या 2 है और ये 1 वर्ष की ट्रेनिंग है, और मशीनिस्ट का भी वैकेंसी 3 है और 1 वर्ष का ये ट्रेनिंग है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इसके लिए भी 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। तो जिसमें सभी के लिए जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60% या उससे अधिक नंबर होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50% या उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए, और दिनांक 1/10/2022 को एज 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए, और NCVT और SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त ITI से 2020 से 22 के बीच ITI पास होना चाहिए, ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत भी होना चाहिए, और उसमें ITI में जो कितना मार्क्स होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 60% या उससे अधिक मार्क्स ITI में होना चाहिए, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 55% या उससे अधिक ITI में मार्क्स होना चाहिए, और इस आवेदन के पूर्व किसी संस्था में शिक्षु अधिनियम या 1961 यानी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत ट्रेनिंग नहीं किया होना चाहिए अथवा प्रशिक्षण हेतु नाम पंजीयन नहीं होना चाहिए, अन्य अथवा अन्य किसी कारखाने में 1 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव नहीं होना चाहिए। सरकार अथवा केंद्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण विभाग द्वारा जारी ITI अंक तालिका और शैक्षणिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी अस्थायी अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आवेदक को www.apprenticeshipindia.gov.in में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 सीट है और इसमें भी 1 वर्ष का सीट है, एक वर्ष का कोर्स है, और वेल्डर गैस एवं इलेक्ट्रिक के लिए ये 8 सीट है और ये भी 1 वर्ष का ट्रेनिंग है, और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में 3 सीट है जिसमें और 1 वर्ष का ट्रेनिंग है, और प्रोग्रामिंग एवं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पास इसके लिए 2 सीट है और 1 वर्ष का ट्रेनिंग है, यानी टोटल 61 सीट है। उपरोक्त संख्या सांकेतिक है एवं उपरोक्त में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में है, यानी इसमें मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। लागू आरक्षण प्रतिशत एवं आयु में छूट, तो देखिए ये श्रेणी दिया हुआ है, अनुसूचित जाति इसमें 21% है आरक्षण है, और आयु में 5 वर्ष का छूट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए ये आरक्षण 1% है और 5 वर्ष का छूट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नॉन क्रिमिनलियर के लिए ये आरक्षण 27% है और 3 वर्ष का छूट है, और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण है, विकलांग के लिए 4% आरक्षण है, और आयु में 10 वर्ष का छूट है।
शारीरिक विकलांग आवेदकों को जिनकी विकलांगता 40% हो, क्षैतिज आधार पर 4% आरक्षण दिया जाएगा। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु जिनकी न्यूनतम वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, 10% का आरक्षण का प्रावधान है। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा कम से कम तहसीलदार के पद पर आसीन प्राधिकृत अधिकारी राज्य और केंद्र शासित द्वारा जारी आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दिनांक 1/10/2022 से पूर्व जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र या वैधता समाप्त हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आर्थिक कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा केवल अधिकृत अधिकारी तहसीलदार या ऊपर के पद द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। BHEL झांसी के कर्मचारियों, मृतक, सेवानिवृत्त, कार्यरत के आश्रितों, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी को उनकी श्रेणी में उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। BHEL झांसी के कर्मचारी, मृतक, सेवानिवृत्त, कार्यरत के आश्रितों और पुत्र, पुत्री और पति और पत्नी के लिए अधिकतम 20% रिक्तियाँ आरक्षित हैं। चयन पात्र उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। यानी इसका जो सिलेक्शन होगा एक रिटर्न कंपटीशन होगा, तो जिसके मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। चयन और मेरिट लिस्ट और प्रतीक्षा सूची संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट https://jhsbhel.com पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अन्य किसी प्रकार के सूचना के माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर जिसमें प्रदेश के बाहर के वृद्धि चयन उपरांत संस्थान में उपस्थित नहीं हुए, प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु वरीयता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को पूर्ण नहीं किए जाने पर, निर्धारित दस्तावेज प्राप्त न होने पर, संबंधित दस्तावेज गलत पाए जाने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की गलत घोषणा पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी या प्रशिक्षण किसी भी समय बिना कारण के निरस्त की जा सकती है। तो RDSDE कानपुर में पंजीयन हेतु आवेदक निम्नलिखित वेबसाइट पर पंजीयन कर सकता है। तो इसका वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in है और उपयुक्त से संबंधित समस्त सूचनाएं समय समय पर हमारी वेबसाइट https://jhsb.bhel.com पर दी जाएगी तथा यानी किसी प्रकार सूचना के माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चयन की चरणबद्ध प्रक्रिया, इसमें अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें कि आवेदक को www.apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जो कि अग्रिम आवेदन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। द्वितीय चरण में अप्रेंटिसशिप साइट में पुनः www.apprenticeshipindia.gov.in पर लॉगिन करें। तृतीय चरण में भेल की वेबसाइट में आवेदन भरना है। तो देखिए, तदुपरांत प्रथम चरण में प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए आवेदक BHEL झांसी की वेबसाइट https://jhs.bhel.com पर ट्रेड अप्रेंटिस ITI अप्रेंटिस के अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र अप्लाई ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः भरने के पश्चात प्रावर्ती की प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप अग्रिम प्रक्रिया हेतु सहेज कर रखें। किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची एवं लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची फाइनल सिलेक्शन लिस्ट संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट https://jhs.bhel.com पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 16 अक्टूबर 2022 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 तक है और लिखित परीक्षा की तिथि 12 नवंबर 2022 दिन शनिवार को है। और लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची फाइनल सिलेक्शन लिस्ट संबंधित सूचना
हमारी वेबसाइट https://jhs.bhcl.com पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।